नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठन। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा भोपाल के आह्वान पर जौबट विकासखंड के पूरे जिले में आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आवास, बीसी एवं अन्य 17 विभाग योजनाओं एवं मिशन के कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन कलम कार्यालय बंद हड़ताल कर रहे हैं और रोज नए तरीके अपनाकर सरकार का ध्यान अपनी मांगे पूरी होने के लिए कर रहे हैं, परंतु सरकार का असंवेदनशील रवैया कर्मचारियों में रोष पैदा कर रहा है और कार्यालय बंद होने से समस्त शासकीय कार्य पर विराम लग चुका है। हड़ताल के 13वें दिन कर्मचारियों अधिकारियों ने सरकार के द्वारा ध्यान नहीं देने पर भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए मांग की। ज्ञात हो कि दिनांक 22 जुलाई 2021 से 17 विभागों, मिशन एवं योजनाओं के अनेक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हड़ताल कर रहे हैं। आजीविका मिशन के संगठित संस्थाएं भी मुख्यमंत्री को संबोधित कर अपना समर्थन पत्र जारी कर चुके हैं। इसके साथ ही विभिन्न विभागों एवं योजनाओं के हितग्राहियों से भी हड़ताली कर्मचारी अपना समर्थन जुटाकर अपनी मांगें पूरी करने के लिए सरकार को निवेदन कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारी ने जल्द ही इन मांगों के पूरा नहीं होने पर विधानसभा का घेराव और अन्य तरीके अपनाए जाएंगे। विकास खंडों पर जनपद पंचायत के सामने संयुक्त मोर्चा के तहत हड़ताली जुटे हुए हैं, जिसका व्यापक असर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं पर देखने को मिल रहा है। 17 विभागों, योजना, परियोजना एवं मिशनों के काम थम से गए हैं, जिसमें विकासखंड के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण जनता अपने रुके कामों के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रही है, परंतु कर्मचारियों के हड़ताल होने और कार्यालयों में कामकाज नहीं होने से उनके काम कब तक पूरे होंगे, कैसे उन्हें शासन की योजना का लाभ मिल सकेगा, सब कुछ अधर में लटका नजर आ रहा है। संयुक्त मोर्चा की ओर से बार बार सरकार को अपने वचन पूरे करने एवं 5 जून 2018 की बनाई नीति को लागू करने की मांग की जा रही है। लंबे अरसे से शासन स्तर से मात्र जानकारियां एकत्रित कर समय व्यतीत किया जा रहा है, जबकि सभी जानकारियां भोपाल स्तर पर संधारित हैं। मुख्यमंत्री को अधिकारी द्वारा बरगलाया जा रहा है कि शासन पर आर्थिक दबाव आएगा, जबकि कर्मचारियों की अधिकांश मांगे अनार्थिक हैं। हड़ताल पर झूठे कर्मचारी द्वारा लगातार अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जा रहे हैं, परंतु शासन कार्यालय रवैया कर्मचारियों में रोष पैदा कर रहा है। संयुक्त मोर्चा की ओर से प्रमुख सचिव, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को अदालत में दायर कैविवेट के आधार पर हड़ताल किए जाने वाले कर्मचारियों पर दबाव और कार्रवाई न किए जाने के संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया है। आगामी रणनीति के तहत विधानसभा के घेराव करने की भी योजना है। संयुक्त मोर्चा के जौबट अध्यक्ष मुकाम सिंह हरवाल एवं मीडिया प्रभारी विजय सोनी ने बताया कि जिले में उपचुनाव होने से संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों का प्रभाव गांव स्तर पर होने से ये उपचुनाव में दिक्कत भी पैदा कर सकता है। विगत पिछले 13 दिनों से संयुक्त मोर्चा संगठन के बैनर तले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समस्त कर्मचारी 17 संगठन सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उसी के तारतम्य में आज दिनांक को शासन को जगाए जाने हेतु जनपद पंचायत जोबट जिला अलीराजपुर के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जा रहा है, ताकि शासन की जो सोए हुए अधिकारी, नेता, कर्मचारी वो जागे और हमारी मांगों का निराकरण करे। उसी के तारतम्य में आज हनुमान चालीसा का आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम काम सिंह हरवाल, ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत सचिव संगठन, जनपद पंचायत जोबट, जिला अलीराजपुर।